That's an interesting question. ऐसे सवालों के लिए मेरे पास एक स्टैंडर्ड जवाब है, सलमान खान बचपन के क्रश हैं तो वो ही मेरे फेवरेट है, हमेशा मेरे फेवरेट रहेंगे. और जहाँ तक होली का सवाल है, एक्चुअली वो एक ऐसा दिन है जहाँ पे मैं घर पे छुप जाती हूँ. जब मैं लंदन से पहले यहाँ शिफ्ट हुई थी, मेरे पहले दो तीन होली के एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा ज़बरदस्त और ख़तरनाक थे कि वो ज़िंदगी भर याद रहेंगे. तो उसके बाद मुझे लगता है कि घर पर बैठना ही ठीक है. क्या तुम बहुत तंग करते हो? हाँ पूछो. चलो आपको नहीं लगता कि हर एक को बजट से फ़र्क पड़ता है? ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है. इट्स इम्पॉर्टेंट टू सी वेदर फाइनेंसेस आर गोइंग. हम सब टैक्स भरते हैं, वी वांट टू नो वेयर आर मनी इज़ गोइंग. हम बहुत मेहनत से पैसे बनाते हैं, सो या वी वांट टू गेट लॉट ऑफ टैक्स रिलीफ, खास तौर से मुंबई में, स्पेशली फॉर आर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री विच इज़ ऑलवेज लेफ्ट आउट. तो बिल्कुल आई थिंक द टैक्स एंड द बजट इज सुप्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेसिवनेस ऑफ दिस कंट्री. आप एक पॉलिटिक्स स्टूडेंट से ये सवाल पूछ रहे हैं. मेरे खुद के लिए नहीं, आई थिंक डेफिनेटली अ बेटर एजुकेशन बजट, डेफिनेटली मोर स्पेंट ऑन वुमेन्स सेफ्टी, डेफिनेटली ऑन एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंटरटेनमेंट को और सपोर्ट करना चाहिए बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. स्पोर्ट्स को भी और सपोर्ट करना चाहिए. सो लेस ऑन द डिफेंस एंड मोर ऑन एवरीथिंग एल्स. हो गया मैं जा. ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे. सिद्ध महादेवन भैया यहाँ पे कम यार, जल्दी आके ड्यूएट करो मेरे साथ होली का. ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे. होली है, जीमा है. लुकिंग लवली. एंड यू? थैंक यू. हो गया? थैंक यू. जी मैं चला जाता हूँ हाइबरनेशन में, ज़रा आराम करने चला जाता हूँ उसके बाद. नहीं, मैं बिल्कुल टूर पे था और अपनी ज़िंदगी के कुछ इंपॉर्टेंट फैसले ले रहा था. तो आई गॉट मैरिड, यू नो, सेटल डाउन माई सेल्फ, मज़ा आया. और उसके बाद यू नो आई एम बैक इन एक्शन नाउ. अब काम ज़्यादा है. बिल्कुल, बस यहीं अटेंड करिए मेरे साथ. अभी आपके साथ अभी आके बोलिए, आपको हेलो बोलिए, अस्सलाम वालेकुम बोलिए. आज की शाम जो है मैं प्रॉब्ली परफॉर्म करूँगा सब लोगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए परफॉर्म करूँगा. प्रॉब्ली वो पहली दफ़ा देखेंगे मेरी परफॉर्मेंस स्टेज पे, जीमा की स्टेज पे. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बस बिग फैन मोमेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो जहन में आते हैं वही आते हैं कि लोग पोस्टर्स और यू नो इतना ज़्यादा वक्त निकाल के सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करते हैं और यू नो उनको जब जवाब मिलता है तो उनकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन जाता है. जैसे कि मेरे लिए, अगर मैं किसी आर्टिस्ट को पसंद करता हूँ, उसने मेरे से बात की एक दफ़ा, तो मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन गया. तो मैं कोशिश करता हूँ उनको जवाब दे सकूँ इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे या फेसबुक पे. सो यू नो वो सब लोग जो कॉन्सर्ट पे आते हैं, जो मेरा म्यूज़िक सुनते हैं, दे आर यू नो आई रियली अप्रिशिएट दैट. आई एम इन फेवर ऑफ अ न्यू वर्जन टू दैट सॉन्ग, बट प्रॉब्ली रिमिक्स, यू नो, उसी गाने को अगर उठा के आपने वैसे ही कर दिया है तो प्रॉब्ली आई एम नॉट वेरी कीन ऑन दैट. ऑलराइट, थैंक यू, अप्रिशिएट इट. थैंक यू एवरीवन.
आप सबके स्पोक्स पर्सन क्यों हैं? लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए, आप सबको पैसे देते हैं कि सिर्फ आप सवाल पूछेंगे? आज मुझे दूसरों से बातें करनी है। आपसे भी करेंगे, आपसे कैसे नहीं करेंगे, बट कोई और भी सवाल पूछ ले कभी कभी। किस चीज़ के लिए? जी जी जी, बहुत बहुत खुशी थी। मैं एक्चुअली थोड़ा सा ओवरवेल्म हो गया जब, बिकॉज बच्चन साहब आए थे लेकिन वो ऑडियंस में बैठे नहीं थे, आई थिंक वो बिजी रहे होंगे, तो शायद लास्ट मिनट आए वो, तो मेरा बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो आए भी हैं अवार्ड में। सो व्हेन ही वॉक्ड ऑन स्टेज आई फेल्ट वेरी ओवरवेल्म्ड, बिकॉज ही इज़ प्रॉब्ली द फाइनेस्ट एक्टर वी हैड इन दिस कंट्री, और उनसे अपना बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलना वॉज वेरी 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 स्पेशल, एज स्पेशल इज गेटिंग द अवार्ड वॉज टू गेट इट फ्रॉम हिम। जी मैं एक्चुअली बहुत नर्वस था, बिकॉज लास्ट ईयर आई लॉस्ट माई डॉग काइज़र, एंड अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ था नहीं व्हेन आई लॉस्ट हिम, सो एंड देन आई गॉट अनदर पपी एंड आई लॉस्ट हिम इन 4 days ऑफ गेटिंग हिम लास्ट ईयर। सो आई एम अ वेरी बिग डॉग लवर एंड आई वॉज वेरी स्केर्ड कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सो लास्ट ईयर वॉज स्लाइटली स्केरी एज फार एज पेट्स आर कंसर्न, बट माई फैमिली फोर्स्ड मी, दे सेड दैट यू नो यू ऑलवेज हैड एनिमल सो यू शुड हैव एनिमल, तो फाइनली आई गॉट माई सेल्फ अ न्यू पपी, और मैं अब तक उसका नाम सोच रहा हूँ बिकॉज आई हैव जस्ट गॉट हिम यस्टरडे। कुछ चीज़ें हैं जैसे मेरा फ़ोन, मेरा परफ्यूम, मेरा लिप बाम बिकॉज आई गेट वेरी ड्राई लिप्स, और या आई गेस सर। हाँ जी, आप वही लगाते हैं क्या? ये खुशी से जो आप पूछ रहे हैं, आप कौन सा लिप बाम लगाते हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी कभी जवाब दो। आप आम आदमी हैं, आपको आम आदमी की पावर नहीं मालूम आजकल, शायद आप दिल्ली में नहीं हैं इसलिए। आई फाइंड ऑल द मोमेंट्स वेरी स्पेशल, बहुत मुश्किल होता है एक मोमेंट डिफाइन कर पाना। कुछ मोमेंट्स डरावने भी होते हैं लेकिन आई मीन ऑल द मोमेंट्स आर स्पेशल हमेशा, जब व्हेन यू मीट पीपल हु लाइक योर वर्क, हु लव योर वर्क, बिकॉज दे आर ऑलवेज रेडी टू फॉरगिव यू। आई थिंक रिस्पेक्ट ऐसी चीज़ है जो अच्छी होती है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्यार होता है, तो जब आप लोगों का प्यार आपको मिलता है तो वो आपको माफ़ भी कर देते हैं, आप माफ़ी हमेशा प्यार में ही करते हैं, तो आई होप दे कंटिन्यू फॉरगिविंग मी इफ आई मेक एनी मिस्टेक्स, बट ऑल दोज मोमेंट्स आर स्पेशल। जी कुछ ही घंटों में आने वाली है। जी घी के दिए जलाने से क्या होता है? मेरी बर्थडे आ रही है, दिवाली थोड़ी हो रही है। सर मेरे लिए आज तक किसी ने बर्थडे पे घी का दिया नहीं जलाया है। जी परंपरा आपने जब शुरू की है तो अब मुझे जाके घर पे बताना पड़ेगा। सर मैंने अब तो खुद ही नहीं डिसाइड किया है, तो मैं जब डिसाइड करूँगा तो मैं बता दूँगा। जी ये साल बहुत अच्छा रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, गॉड इज़ बीन वेरी वेरी काइंड, तो अच्छा काम करने की कोशिश है बस, अच्छा काम करेंगे, बेहतर फिल्में बनाएंगे, अच्छे लोगों के साथ काम करेंगे और होपफुली आप लोगों को भी खुश रखेंगे। कोई प्लान नहीं है मेरा, एक्चुअली माय फैमिली इज आल्सो नॉट हियर, सो आई एम जस्ट गोना बी चिलिंग, नथिंग मेजर। गृह प्रवेश करूंगा सून, घर अभी भी तैयार हो रहा है। मैंने कहा था कि किसी और को सवाल पूछने दे यार। जी क्या कहूँ मैं डीजे का, स्पेसिफिक सवाल पूछिए तो स्पेसिफिक जवाब दूंगा, जेनेरिक पूछेंगे तो मैं कुछ ऐसे ही बोल के निकल जाऊंगा।
चला जाऊँ, हो गया। हाँ देखो यहाँ पे भी सवाल आया इस तरह।